हॉर्टिकल्चर को लेकर एक एग्जीबिशन हो रही है। बताया जा रहा है कि इसमें किस तरह से सब्जी और फूल को नए तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ उगाया जाए उसके बारे में नई जानकारी दी जाएगी। तो कोशिश करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ दिखाते हैं कि क्या नया है और क्या नया इसमें किया जा सकता है। आइए, नर्सरी ग्रीन हाउस में क्वालिटी सीडलिंग का मास प्रोडक्शन। अब ग्रीन हाउस के बारे में हमने सुना तो बहुत है, मैंने भी बहुत सुना है, लेकिन आज देख पहली बार रहा हूँ, तो मैं भी देखता हूँ, आप भी देखिए। आइए, ग्रीन हाउस के अंदर हम आ गए हैं। थोड़ा सा तापमान ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़ गया है। यहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। सर, मैं शरद शर्मा हूँ NDTV से। थोड़ा बताएंगे आप इसके बारे में क्या है यहाँ पर? थोड़ा तापमान यहाँ पे बहुत बड़ा लग रहा है मुझे। हाँ, एक्चुअली क्या है शरद जी, यहाँ थोड़ा टेम्परेचर जो है वो जो प्लांट जर्मिनेशन है उसके हिसाब से, और क्योंकि इस समय ये फाइनल स्टेज है, कुछ प्लांट्स जो है वो जर्मिनेट हो गए हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर इसके लिए जो है वो 30 डिग्री के आसपास रखता है। अच्छा, तो 28 से 30 डिग्री, और थोड़ा सा ह्यूमिड भी रहता है क्योंकि इस एरिया में मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अच्छा अच्छा, हम आपको इसलिए फील हो रहा है जैसे ही ह्यूमिड अगर कम हो जाए तो। अच्छा, बाहर का तापमान कम है, सर्दी का मौसम है और अंदर आ गए हैं तो ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने सुना? अच्छा, हाँ हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये बाय डिफॉल्ट काम कर रहा है, मतलब गर्मी अंदर आ जाती है लेकिन आसानी से बाहर नहीं निकल पाती। अच्छा, थोड़ा हमें ये बताएंगे ये ग्रीन हाउस के अंदर ये किस तरह का आपका प्रोडक्शन है, और हमने देखा कि कुछ नई टेक्निक की आप लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर इनोवेटिव टेक्निक्स दे रहे हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर। हॉर्टिकल्चर जिसका मतलब है फल फूल और सब्जी। इन फल फूल और सब्जियों में सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारी सीडलिंग है। ये आप देखेंगे किसी भी प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सीड। सीडलिंग मतलब जो बीज है, जो बीज है उसको जब वो अंकुरित हो जाता है, अंकुरित हो गया, जब उसके अंदर से सीड सीडलिंग बन जाता है करने के लिए, नॉर्मली इसके लिए टाइम जो है आप कहते हैं कि मान के चलिए लगभग 20 से लेकर 30 दिन का टाइम लगता है। अच्छा, अलग अलग सीडलिंग के लिए, करेले के लिए, टमाटर के लिए और बाकी जो हमारी सभी सीडलिंग लगी हुई है यहाँ पर, तो इनमें लगभग 20 से 25 दिन के समय में ये सीडलिंग तैयार हो जाती है। तो इसके अंदर कुछ, अच्छा ये तो चलिए एक पौधा मान लें कि एक छोटे छोटे ये पौधे हैं। हाँ, ये प्लांट है, आप देख सकते हैं इसको, ये जैसा एक प्लांट है, ये करेले का प्लांट है। अच्छा, ये सारे इसकी जड़ें हैं इसके लिए, और आप ये देखें कि हमने जब इसको निकाला इसकी रूट्स टूटी नहीं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो इसके प्लांट, इसकी रूट टूटती नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने ऐसे सब्सट्रेट डाले हुए हैं जो बड़ी इजीली, इसको प्लग टाइप सीडलिंग बोलते हैं। ये कुछ इसके ऊपर ऐसा लग रहा है कुछ आपने कुछ ऐड कर रखा है, क्या चीज है ये सर? नहीं, इसके अंदर जो है इसमें ये, इसको बोलते हैं सब्सट्रेट। अच्छा, और ये सब्सट्रेट में कॉम्बिनेशन होता है तीन चीजों का। एक हमारा कोकोपीट है इसके अंदर, एक वर्मिकोलाइट है, एक परलाइट है। अच्छा, ये तीनों चीजों का हम बाहर डेमो भी दिखा रहे हैं कि कैसे आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन से एक सब्सट्रेट, ये मिट्टी के अंदर ये चीज मिलाई जाए? मिट्टी के अंदर नहीं मिलाई जाए, ये पौध बनाने के लिए बनाए, इसमें मिट्टी है ही नहीं कहीं। अच्छा, ये बिना मिट्टी के ही सब अंकुरित हो रहे हैं? ये बिना मिट्टी के हैं इनके अंदर। ओ, तो यही एक आपकी टेक्नोलॉजी है सबसे बड़ी, ये सॉइललेस टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। अच्छा, ये सॉइललेस, इसमें सॉइल इस्तेमाल नहीं, यानी बिना मिट्टी के, बिना मिट्टी के, तो बिना मिट्टी के पौध तैयार होती है और इसके अंदर डलने वाले फर्टिलाइजर। बातों बातों में नई चीज पता चली, बिना मिट्टी की खेती या कहीं बागवानी। पसीने मुझे छूटे हुए हैं और क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है। करेला नहीं, आप टेम्परेचर बोल रहे हैं, दीजिए हमारी वजह से आप जो है इनको, पौधों को तकलीफ मत दीजिए, पौधों को तकलीफ नहीं दे रहे। ये करेला है, ये करेला है, ये खरबूजा है, ये खरबूज, अच्छा खरबूजा है, खरबूजा है। ग्रीन हाउस में गर्मी के कारण मेरा पसीना छूट रहा था, लेकिन जब रिपोर्टर को कोई नई चीज देखने को मिलती है तो क्या गर्मी और क्या सर्दी। मैं ऑपरेट करवाता हूं आपके लिए। टमाटर के ये सारे के सारे, ये टमाटर है, ये टमाटर का प्लांट है जो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे हम इस प्लांट से आगे बहुत बम्पर फसल ले सकते हैं। अच्छा, आगे दिखाऊंगा मैं आपको, जिसमें आप देख सकेंगे कि किस तरह से टमाटर की एक पौधे से आप 25 किलो तक टमाटर का प्रोड्यूस ले सकते हैं। अच्छा, 25 केजी तक आपको पर प्लांट आपको प्रोडक्शन देगा, तो ऐसा हमारे आपको एक पौधे से 25 किलो तक। हाँ, अब आप देखिए नॉर्मली कन्वेंशनली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो से ज्यादा नॉर्मली प्रोडक्शन नहीं होता। हाँ, आप कन्वेंशनल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हम कंट्रोल कंडीशन के अंदर इसमें आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत अच्छी क्वांटिटी में। बिना मिट्टी की खेती में उत्पादन ज्यादा होता है, लेकिन इसके अलावा भी क्या कोई फायदा है? बिना मिट्टी में सबसे पहली बात तो ये कि हम स्टरलाइज्ड ये मटेरियल जो है सब्सट्रेट हम यूज करते हैं। अब जब वो स्टरलाइज्ड होता है तो बहुत सारी समस्याएं शुरू ही नहीं हुई आपकी। अगर आपने स्टरलाइज सिस्टम लिया
तो उसमें आपका पहला पार्ट आता है कि एक अच्छा हेल्दी प्लांट आपको मिला। हाँ। इस हेल्दी प्लांट से जब आप दोबारा जब इसको आप प्लांट रीप्लांट करते हैं सॉइलेस में, हाँ। तो आपने जो फर्टिलाइजर दिया, आप जब मिट्टी में फर्टिलाइजर डालते हैं तो बहुत सारा फर्टिलाइजर प्लांट, कुछ प्लांट फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब करता है, हाँ। और कुछ फर्टिलाइजर मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उस केस में वो जो वेस्टेज ऑफ फर्टिलाइजर है वो अननेसेसरी जो हमारे को मिट्टी में हो रहा है वो इसमें नहीं होता। इसमें आपको वो पूरा का पूरा प्लांट लगभग 90% फर्टिलाइजर इसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, मतलब जो आप लगा रहे हैं एक्चुअली वो उसको मिल रहा है मिट्टी के अंदर, यह कि इधर-उधर फैल जाता है या जो भी होता है। समझ लीजिए कि एक आदमी ग्लास में पानी पीता है, हाँ। और एक आदमी कहता है साहब आप वो मटका हमने खोल दिया, अब आप उसमें से 20% नहीं 5% आपके अंदर जा रहा है और 15% 50-95% इधर उधर गिर रहा है। इसके अंदर आप इतनी बात सुनकर जब पता चला कि बिना मिट्टी की बागवानी करके टमाटर तैयार हैं, तो फिर ज्यादा देर ना करते हुए मैं निकल लिया टमाटर के ग्रीन हाउस के लिए। आपने देखा कि इसमें कई रूम कई कमरे हैं, मतलब इसके अंदर एक अच्छा एक दरवाजा ये एक डोर दरवाजा ये है एक अच्छा ये दो अभी और भी आ गए एक ये दो ये तीन एक और तीन और ये चौथा चौथा अच्छा ये अंदर लाइट ना जाए इसके लिए है क्या है? ये बेसिकली इंसेक्ट के लिए है, इसके ऊपर ग्लू किया हुआ है। अच्छा। इसमें फूड ग्रेड ग्रीस होती है जो लगी है। अच्छा। लगी नहीं है, हाँ। तो उसमें क्या है कि जो भी इंसेक्ट अगर हमने इतने दरवाजे होने के बाद भी इसको दरवाजा बंद कर दिया, ये कम से कम चार दरवाजे दिए अंदर घुसने के लिए। इसके लिए पर्पज यही कि इसमें इंसेक्ट आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और हमारा पर्पज ये है कि हम कम से कम पेस्टिसाइड यूज करें। अच्छा। और अगर इंसेक्ट आ भी गया तो ये ट्रैप कर लेगा उसको, नंबर एक ऑप्शन, और सेकंड आपको इंडिकेट भी कर देगा कि कौन कौन से इस समय इंसेक्ट अंदर जा रहे हैं। अच्छा, जो इससे जरूरी है सारे इससे चिपके हो सकते हैं और अंदर निकल गए हो। लेकिन जो चिपके हैं आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये लोग तो जरूर आए हैं यहाँ पर, तो आप उन फ्रेंड्स के लिए या एनिमीज के लिए जो भी आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं वो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मिट्टी रहित बागवानी में सावधानी और पौधों पर ध्यान ज्यादा रखना होता है, लेकिन बाद में नतीजे भी शानदार दिखते हैं। क्या शानदार, जिंदगी में पहली बार मैं इस तरह से फ्रूट की क्वालिटी देख सकते हैं करने के लिए। और यहाँ देखिए कैसे बंचेस हैं इसके, जो ये आपके क्लस्टर जो इसके बने हैं गुच्छे के, गुच्छे जो हैं, गुच्छे जो हैं इसके। अगली वाली रो आप अपन चलते हैं, ये जो है हमारी सॉइलेस वाली है, आई इसमें आ जाइए, इधर आ जाइए। अच्छा, ये कहने को ग्रीन हाउस है लेकिन ऐसा लग रहा है पूरे बगीचे में ही टहल रहे हैं। आप बिल्कुल ऐसा है इसमें, और ये ऐसा बगीचा है जिस बगीचे में फ्रूट ही फ्रूट है। ये टोमेटो, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊंगा कि सर टोमेटो एक ऐसा फ्रूट है जो फ्रूट में भी आता है और वेजिटेबल में भी आता है। हाँ, कोई ऑसी ऐसी मटेरियल नहीं है, टेक्निकली ये फ्रूट एज वेल एज वेजिटेबल। तो आप इस समय आप कह सकते हैं फ्रूट के बाग में भी है और सब्जी के खेत में भी है। अच्छा, ये जो है आप... ये देखिए आप देख सकते हैं ये वाला जो पूरा टेक्निक है, ये सारी की सारी सॉइललेस है। ये हम लोगों ने एक क्रेट बनाया हुआ है जिसके अंदर ये मटेरियल है। ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं जिसको मिट्टी जैसा लग रहा है आपको देखने में, हाँ। ये बेसिकली एक सबस्ट्रेट है जिसके अंदर हम अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग कंपोजिशन के साथ में, हाँ। हम इसको चेक करते हैं जिसमें अलग अलग रेशियो के अंदर हम कोकोपीट, हाँ। वर्मिकोलाइट और परलाइट, इनके कॉम्बिनेशन है क्या क्या ये? ये बेसिकली कोकोपीट कोको का जो है आपका नारियल का जूट जो है, अच्छा। वो है करने के लिए, अच्छा। और एक वर्मिकोलाइट है और एक परलाइट है। परलाइट जो है ये पॉपअप किया हुआ स्टोन होता है, स्टोन को पॉपअप कर देते हैं क्रश करके, तो पॉपअप कर देते हैं। अच्छा। उससे क्या होता है कि इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अच्छा। तो ये वाटर रिटेनिंग कंपाउंड है बेसिकली, तो इसमें ये दोनों चीज रिटेन करता है और प्लांट को मॉइस्चर और वाटर दोनों चाहिए। तो अच्छा। दोनों ही चीजें बड़े, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इस एरिया में कितना हाई मॉइस्चर। अच्छा, इस तरह से ये एक ये, हाँ, ये दिस इज द वे, ये सबसे एक सिंपल और सबसे इकोनॉमिकल तरीका है, हाँ। यही चीजें जो अमेरिका में या हॉलैंड में जो आप देखेंगे उनके पास बड़े सुंदर सुंदर बैग होते हैं करने के लिए। अच्छा। पर वो बैग जो है अगेन कॉस्टली पड़ते हैं, हाँ। हमको लगता है कि हम ये बेसिक तरीके से, क्योंकि देखिए फार्मिंग में अगर ऐसा होता है कि बड़ी सी एक कैन को काट के और उसमें आप ऐसे समझ सकते हैं।